हम बिल्कुल ब्लाइंड होकर ना डिफरेंट किस्म के शैम्पूज यूज करना शुरू हो जाते हैं जी। ये जो है ना ये खुश्की सिकरी दूर करेगा, ये जो है वो बाल लंबे और घने करेगा, इससे जो है रूट्स और एंड्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नथिंग कैन हैपन। और ऑफ कोर्स आमला, रीठा और सिक्का काई, ये भी पाकिस्तान में रहने का फायदा है कि हर स्टोर से बड़े आराम से मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैंने सोचा कि बालों का मसला जो है ना वो आजकल सबका बढ़ता जा रहा है। बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं। डैंड्रफ सबसे बड़ा मसला है बालों का। हम बिल्कुल ब्लाइंड होकर ना डिफरेंट किस्म के शैम्पूज यूज करना शुरू हो जाते हैं जी। ये जो है ना ये खुश्की सिकरी दूर करेगा, ये जो है वो बाल लंबे और घने करेगा, इससे जो है रूट्स और एंड्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नथिंग कैन हैपन, यानी कि आप इस तरह कर रहे हैं कि आप अपने कपड़े धो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि डिटर्जेंट से आपके कपड़े जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे, अभी भी नहीं। वेन एवर केमिकल टचेज योर हेयर योर स्किन, बट एवर केमिकल इट मे बी, जब भी केमिकल आपके हाथों को या आपके चेहरे को या आपके बालों को लगता है, केमिकल इज बैड, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट ऑर्गेनिक। इवन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक थिंग्स इफ यू सी, जो हम बहुत सारी ऑर्गेनिक जो पाकिस्तान में मिलती है, मैंने उनको बड़ी दफा चेक भी किया, आप देखें वो प्रॉपर ऑर्गेनिक नहीं होती। उसके अंदर डेफिनेटली ऑर्गेनिक चीजें जरूर होती हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एंड प्रिजर्वेटिव्स आर अगेन जो कि केमिकल्स होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो सबसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव जो है वो इन चीजों में डाले जाते हैं, वो होते हैं जो लाशों के ऊपर नहीं लगा देते मसाला कि उससे लाशें खराब नहीं होती, इस तरह के प्रिजर्वेटिव जो हैं वो हमारे इस तरह की चीज़ों में डाले जाते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक कह के फरोख्त कर दिया जाता है। सो आई वुड से डू नॉट गो फॉर ऑर्गेनिक। मैंने अपनी एक स्किन केयर क्रीम निकाली है और बड़े कॉन्फिडेंस से निकाली है और इतने कॉन्फिडेंस से उसको मैंने सेल आउट किया है कि बिकॉज मुझे पता है कि मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अगर किसी को भी उसमें कोई भी चीज़ नज़र आई है, उसने डिलीवर नहीं किया, उसको फ़ौरन मुझे कमेंट कर देना, अभी प्लीज़ ज़्यादा ने ये कह दिया और वो ऐसा नहीं हुआ, तो बिल्कुल मेरी रेमेडीज़ में या मेरी क्रीम्स में या मेरे हमारे ब्रांड के कपड़ों में किसी भी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो अब हम इसको किस तरह से सर पर यूज़ करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें जो है, देखिए सर्दियों में आप बहुत देर तक अपने सर के ऊपर ना ठंडी चीज़ें नहीं लगा सकते, इसका नुकसान शुरू हो जाता है, आपके सर में दर्द हो सकती है, यू कैन हैव सो मैनी मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए दिस इज़ जस्ट 2 आवर्स रेमेडी, आपने इसको अपने बालों पर लगाना है और बालों पर लगा कर आपने धूप में बैठ जाना है। मेरे खुद के जो बाल हैं वो लंबे घने और बहुत बेहतर बाल हैं, अब तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब तक मैं शोबिज में थी, मीडिया में थी, यू हैव सीन माई हेयर आर वेरी लॉन्ग, एंड मैंने कभी उसके अंदर कोई इस तरह की, पहले मैंने जब मैं शोबिज में थी तो ट्रीटमेंट्स वगैरह करा लेती थी, दिस इज केराटिन ट्रीटमेंट, दिस इज फलानी ट्रीटमेंट, नथिंग हेल्प्स, आई एम टेलिंग यू नथिंग हेल्प्स। रादर ये जो आप केराटिन ट्रीटमेंट्स वगैरह कराते हैं या रिबाउंडिंग या अपने बालों को जो स्ट्रेटनिंग कराते हैं, फॉर सम मंथ्स इट स्टेज एंड आफ्टर दैट दिस इज द वर्स्ट काइंड यू कैन से। तो आई वुड प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट यू कि ऑर्गेनिक चीज़ों को भी देख लें कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं, एंड द बेस्ट बेस्ट थिंग इज़ नेचुरल, डू नॉट इवन गो फॉर ऑर्गेनिक, गो फॉर नेचुरल। नेचुरल एज इन कि आप अपनी चीज़ें नेचुरली सामने रखें और उसके बाद उनकी जो है ना वो खुद हेयर रेमेडी करें। अच्छा, अब बालों की रेमेडी जो आज मैंने करनी है, उसके लिए पहले आप इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लीजिए। वी नीड सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल भी वो नहीं जो बड़ी वो किसी कंपनी का होता है, पाकिस्तान में रहते हो अपनी किताब का वास्ता, किसी भी हर दूसरी जगह पर जो है ना वो कोलू लगे होते हैं, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर प्योर सरसों का तेल ले लें। और सरसों का तेल ना सिर्फ ये कि अपने बालों पर लगाएं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सरसों के तेल से ही आपकी जो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है वो सिर्फ सरसों के तेल से जाएगी। सो वील गेट फॉर सरसों का तेल लेमन और ऑफकोर्स आमला, रीठा और सिक्का काई, ये भी पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा है कि हर स्टोर से बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन हमने इसको ये किया कि हमने इनको पाउडर फॉर्म में ले लिया। अब ये जो 3 पाउडर्स हैं, आमला, रीठा और सिक्का काई के, दैट विल यूज़। सो हैविंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, अब चूँकि मैंने ऑनेस्टली ये सब कुछ प्रेजेंट करने के बाद ये रेमेडी अपने सर पे 2 घंटे के लिए लगानी है और फिर शावर करना है, सो इसलिए मेरे बाल सिक्के लंबे हैं तो मैं दही डबल यूज़ करती हूँ। बट वॉट यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कर्ड, ये दही आप इसमें डालें और दही डालने के साथ साथ आप इसमें लेमन, अच्छा लेमन जो है ना, आई ऑलवेज यूज इट फॉर द कंडीशनिंग थिंग, लेमन का और कोई काम नहीं होता, लेमन से कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है बालों। दही में हमने लेमन मिक्स किया, उसके बाद हमने इसमें डालना है
एक चम्मच आंवला का पाउडर, एक चम्मच रीठा का पाउडर, एक चम्मच सिक्काकाई का पाउडर। अब हमने इसके अंदर लेमन डाला और ये हर्ब्स डाले। अब इसमें हमने ऑयल करना है सरसों का तेल, वो समझ लें एक बड़ा खाने का चम्मच। आफ्टर दैट विल मिक्स इट। इसको आपने स्टिर करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। एटलीस्ट यू हैव टू डू इट फॉर लाइक 5 मिनट्स में भी। इसको करने के बाद अब हमने इसको अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखा दूंगी। एंड दिस इज मस्ट, यू शुड हैव अ शॉवर कैप। शॉवर कैप हीट प्रोड्यूस करती है। जब भी आप कोई चीज़ अपने सर पर लगाते हैं, आप उसके बाद शॉवर कैप पहन लेते हैं, उससे वो हीट प्रोड्यूस करती है और उसका जो जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 आवर्स यू हैव टू लीव इट लाइक दैट।